वेलकम बैक। मेरा नाम राजीव बसुमतारी और आप सबको दावला राजा ब्लॉग में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं जाऊंगा आज काजीरंगा, आप लोगों को गेंडा दिखाऊंगा। गेंडा, ये रहा टिकली और ये रहा मेरा धर्मपत्नी और वो रही दूसरी बेटी, और यहाँ पे ये लोग साफ सफाई करने में लगा है। और मैं अभी जाऊंगा काजीरंगा और आप लोग अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को गेंडा दिखाऊंगा। गेंडा गेंडा, लेट्स गो। मैं बैठ गया इनोवा के अंदर और मैं चलता हूँ आगे आगे और पीछे पीछे आप लोग देखते हुए चलिए, लेट्स गो। देवी और सजनो, फाइनली हम पहुंच गए रॉयल डी कासा रिजॉर्ट काजीरंगा। आप ले चलता हूँ मेरे साथ आप लोगों को अंदर की नजारा दिखाने के लिए, चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो देखो देवी और सजनो, काजीरंगा की ये है रॉयल डी कासा रिजॉर्ट। वाओ, आज मैं यहाँ रुकूंगा। वाओ, बसंती को कर दिया यहाँ खड़ा। और ले चलता हूँ आप लोगों को अंदर का नजारा दिखाने के लिए, सो लेट्स गो। सो गाइस, आज का प्रोग्राम यहीं पे होगा, फर्स्ट फ्लोर सैमसंग का प्रोग्राम है। वाओ, नाइस, सो ब्यूटीफुल। यह है कमल फूल और अभी फूल बहुत ही कम है, दो चार नज़र आ रहा है। देखिए गाइस, दो ही चार नज़र आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे है स्विमिंग पूल। वाओ 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 वाओ, मन तो कर रहा है कूद जाऊँ यहाँ पर। देवी और सजनो, वाओ क्या खूबसूरत नज़ारा है, शानदार नज़ारा। वाओ 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 वाओ। कौन है जो वो ड्राइवरों को हल्के में ले लेता है। आज तो मैं इतना मतलब इतना खुश हूँ, एसी में सोऊंगा मैं आज, एसी में, समझ रहे हो माय व्यूअर्स। देवी और सजनों, आज तो मैं एसी में सोऊंगा, एसी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देवी और सजनो, गुमगुम के वीडियो बनाया तो मैं थक गया, मैं आके अभी गाड़ी में बैठा हूँ और थोड़ा सा एसी खाया हूँ, और अंतिम में मुझे इस रॉयल डी कासा रिजॉर्ट में सोने का मौका मुझे मिल गया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था राइनो गेंडा दिखाने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक भी गेंडा नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ की सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है, अभी फिलहाल बंद है। अक्टूबर महीने की 1 तारीख से यहाँ की जो सिस्टम है वो खुलेगा। अच्छा ठीक है समझ गया। लेकिन मैं आप लोगों को गेंडा नहीं दिखा पाया, राइनो नहीं दिखा पाया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन एक खुश बात है, मेरा इस शानदार खूबसूरत रिजॉर्ट में आज एसी में सोने का मौका मुझे मिल गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही एसी है ना। जी नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल गलत सुना है। मन तो था, मेरा इच्छा था बहुत इस खूबसूरत शानदार रिजॉर्ट में सोने के लिए, बट बस की बट बदकिस्मत हूँ, क्योंकि अभी इस खूबसूरत रिजॉर्ट का जो सीईओ है उन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई साहब, नहीं ड्राइवर भाई साहब, आपको कमरा मिला? मैंने बोला जी नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कमरा दिया जाएगा लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। मैं तुरंत सोच में बैठ गया, सोचा कुछ हुआ कुछ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो सो क्या हुआ, एक दिन ना एक दिन तो जरूर आएगा, और मैं भी जाऊंगा 5-स्टार रेडिसन ब्लू होटल में जाके खाना खाऊंगा और सोऊंगा। तब तक के लिए बने रहो, अभी दिखाते हैं आप लोगों को कमरे कैसा है, चलो। सो गाइस, ये है रॉयल डी कासा रिसोर्ट काजीरंगा। ठीक इसकी ऑपोजिट साइड में एक रूम है ड्राइवरों के लिए, चलो देखते हैं।
अबे ये है कमरा, पधारिए ड्राइवर साहब, ये खोला। ओ माय गॉड, ये एक विस्तारा, ये एक और यहाँ लाइट है। हाँ जल गया, लाइट जला। ये पंखा है, स्विच दे देते हैं। हे भगवान, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या सोचा था क्या हो गया? ये है हम गरीबों की जिंदगी, ये है हम गरीबों की लाइफ। सोचते हैं कुछ होता है, कुछ कोई नहीं, एक दिन मैं भी जाऊंगा 5-star होटल पर और वहां जाके रुकूंगा एक दिन। ये मेरा वादा है आप सबसे।